Let us do a guided meditation for healing depression and find your peace within. Depression एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें आपको कंटिन्यूसली सैडनेस, होपलेसनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है. इट कैन अफेक्ट हाउ अ पर्सन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव्स एंड कैन इंटरफियर विद देयर एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली इन देयर डे टू डे लाइव्स. इमेजिन करिए कि कोई एक स्नेहा नाम की व्यक्ति है. पहले स्नेहा बहुत बाहर निकलने वाली और शौक से अपना काम, जोश भरी हुई एक ऐसी लड़की थी. उसे अपने दोस्तों के साथ समय बिताने, हाइक्स पर जाने और अपने खाली समय में पेंटिंग करने का शौक था. परंतु पिछले कुछ महीनों से स्नेहा को लगातार लो और अनमोटिवेटेड महसूस हो रहा था. सुबह उठकर बेड से उतरने में उसे मुश्किल होती थी. पूरे रात की नींद के बाद भी थकान महसूस होती थी. नहाने का मन नहीं करता था, कुछ खाने का मन नहीं करता था. साधारण काम भी उसे मुश्किल लगते थे. अब उसे वो चीज़ें जो पहले उसे पसंद थी वो कुछ भी करने का मन नहीं करता था. स्नेहा धीरे धीरे अपने दोस्तों से, परिवार से आइसोलेट हो जाती है. हमेशा अपने प्लान्स को कैंसिल कर देती है, अकेला रहना पसंद कर देती है. शी ऑफन फील्स गिल्टी फॉर बर्डनिंग हर लव्ड वंस विद सैडनेस, सो शी पुट्स ऑन अ ब्रेव फेस व्हेन शी इज अराउंड देम प्रिटेंडिंग दैट एवरीथिंग इज ओके. उसके प्रयास के बावजूद स्नेहा का डिप्रेशन बरकरार है. उसे लगता है क्या ऐसा कोई दिन आएगा जब मुझे फिर से अच्छा लगने लगेगा, फिर से वो सब चीज़ें मैं कर पाऊँ जो मुझे पसंद है. क्या आप में से कोई ऐसा महसूस करता है? किसी को लगता है कि ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं? तो आइए एक मेडिटेशन करते हैं डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए. फाइंड अ कंफर्टेबल सीटेड पोजिशन और लाई डाउन. जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस पोजिशन में जाइए. धीरे से आंखें बंद करिए और गहरी लंबी सांसें लीजिए. टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स, अलाउिंग योर बॉडी टू रिलैक्स विथ ईच एक्सहेल. अपने शरीर को आराम करने की अनुमति दें. अपनी सांसों पर ध्यान दें. नोटिस द सेंसेशन ऑफ एयर फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ योर नॉस्ट्रिल्स. सिंपली ऑब्जर्व एज इट इज. जैसे ही आप सांस लेते हैं, हर सांस जो नई सांस लेते हैं उसमें पॉजिटिव ऊर्जा को अपने साथ लाने का एहसास करिए और हर छोड़ते हुए सांस दबाव या नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए देखिए. विथ ईच ब्रेथ फील योर सेल्फ सिंकिंग डीपर इनटू अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन. लेट गो ऑफ एनी वरीज और थॉट्स दैट मे बी वेइंग यू डाउन. This is your time to be present and to nurture yourself. Now imagine yourself standing at the edge of a beautiful, tranquil lake. Picture the water glistening in the sunlight, reflecting the colors of the surrounding nature. As you gaze out at the lake, you notice a small boat tied to the shore. जैसे ही आप एक झील, इस झील को देखते हो, आपको किनारे से बांधी हुई एक छोटी सी नाव दिखाई देती है. इसे विजुलाइज करें. यह नाव आपके डिप्रेशन से उपचार और मुक्ति की यात्रा को प्रतिनिधित्व करता है. This boat
represents your journey towards healing and liberation from depression. With a sense of courage, step into the boat and untie it from the shore. Feel the gentle rocking motion as the boat begins to drift away from the safety of the shore. As you journey across the calm waters, imagine yourself releasing all the heavy burdens and negative thoughts that have weighed you down. Visualize them as heavy stones that you drop one by one into the water, watching them sink to the bottom and disappear. जैसे आप शांत पानी में यात्रा करते हैं, अपने आप को सोचें कि आप उन सभी भारी बोझों और नकारात्मक विचारों को छोड़ रहे हैं जो आपको नीचे धकेलते हैं। उन्हें भारी पत्थरों की तरह विचार करें, विजुलाइज करें, जिन्हें आप एक एक करके पानी में गिराते हैं, उन्हें तल पर डूबते हुए और गायब होते हुए देखते हैं। विथ ईच स्टोन यू रिलीज, फील अ सेंस ऑफ लाइटनेस एंड रिलीफ वॉशिंग यू। अलाउ योरसेल्फ टू लेट गो ऑफ द पास्ट पेन एंड एनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स दैट यू हैव हेल्ड बैक। अगर आपने कोई भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ बनाई है, उसे उखाड़ें और फेंक दें। कोई आपके जीवन में पास्ट इंसिडेंट आपको ट्रॉमा देती है, उसे उखाड़ें और पानी में फेंक दें। अगर ऐसा कोई विचार, नेगेटिव विचार आपको तकलीफ देता है, आपके सक्सेस को रोकता है, उसे भी पुल करें और पानी में फेंकें। कोई डाउट, कोई फियर, अनहील्ड मेमोरी, उन सभी को एक एक करके फेंकते जाना है। नाउ विजुअलाइज द सन शाइनिंग ब्राइटली ओवरहेड, फिलिंग यू विद पॉजिटिव एनर्जी एंड वॉर्म्थ। फील इट्स रेज पेनिट्रेटिंग डीप इनटू योर बीइंग, नरिशिंग योर बॉडी, माइंड एंड सोल। महसूस करें कि यह हर कोशिका में प्रवेश कर रही है। जो भी दुख या उदासी आपको महसूस हो रही है, उसे शांत कर रही है ये ऊर्जा। As you bask in this healing light and as you continue to sail across the lake, affirm yourself silently or aloud, I'm worthy of love and compassion, मैं प्रेम और दया के पात्र मानती हूँ अपने आप को, मैं अपने आप को प्रेम और दया के पात्र मानती हूँ। I release all that no longer serves me, मैं उन सभी चीज़ों को छोड़ती हूँ जो मेरे लिए अभी काम की चीज़ नहीं है या जो मेरे जीवन में जिसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है। आई एम रेजिलियंट एंड आई हैव द स्ट्रेंथ टू ओवरकम, मुझ में संघर्ष करने की शक्ति है। आई ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग एंड आई एम सपोर्टेड एवरी स्टेप ऑफ द वे, मैं इस यूनिवर्सल ऊर्जा में विश्वास करती हूँ और हर कदम पर मुझे एंजल्स का, इन ऊर्जाओं का सपोर्ट मिलता है। विथ ईच अफर्मेशन फील अ रिन्यूड सेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड ऑप्टिमिज्म ग्रोइंग विद इन यू। अलाउ दीज अफर्मेशंस टू रेजोनेट, फीलिंग यू विद अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट एंड होप। याद रखिए, इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। Know that you're not alone in your journey and it is okay to ask for help when you need it. Finally, as you reach the opposite shore of the lake, imagine stepping out of the boat onto a solid ground. Take a moment
to appreciate how far you have come on your journey towards the healing and self-discovery. अंततः जब आप झील के विपरीत किनारे तक पहुंचते हैं तो खुद को नाव से बाहर सख्त भूमि पर कदम रखते हुए सोचें. Take a few moments to simply be with yourself and with the sensations in your body. When you feel ready, slowly bring back your awareness to the present moment. Wiggle your fingers, wiggle your toes, gently stretch your body and open your eyes. Remember that you can return to this meditation whenever you need a moment of solace and self-care. You have the power within you to heal and to find peace. Always remember to be gentle with yourself as you navigate your healing journey. Thank you.